हेलो एवरीवन, ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है उन बच्चों के लिए जो जीरो से हीरो बनना चाहते हैं इंग्लिश में। बेसिक कोर्स है। अगर आप इसके पूरे वीडियोस देखते हैं इस सीरीज के, तो आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पे होगी बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, रीता संतुष्ट है। तो दो चीज़ें होती हैं इंग्लिश सीखने के लिए। पहली चीज़ सेंटेंस फॉर्मेशन, कोई सेंटेंस बनता कैसे। दूसरी चीज होती है उसकी वोकैबुलरी, ठीक है। तो रीता संतुष्ट है, तो संतुष्ट का जो मतलब है वो होता है सेटिस्फाइड, SATISFIED, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट। कैसे याद करेंगे, ट्रिक क्या है, देखिए SATISFIED क्या बना, सेटिस्फाइड, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रीता क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। और ये सेटिस्फाइड क्या है, ये है एडजेक्टिव। मेरी कोशिश रहती है कि आपको हर पार्ट ऑफ स्पीच में बताऊं। तो ये क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है बेटा। क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है बेटा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे नाउन का एक कॉलम बनाया है, इस टेबल में एक प्रोनाउन का कॉलम है, और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब यहाँ पे जो हम सेंटेंस बनाने वाले हैं वो सब इज एम आर को यूज करके बनाएंगे बेटे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रीता, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है बेटे। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि बेटे सब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं बेटे, नाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन क्या होता है, जो हम उसकी जगह पे लगाते हैं वर्ड, ठीक है, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। बाकी जो ग्रामर से रिलेटेड एडवांस पोर्शन है, मैं ग्रामर बेसिक ग्रामर की अलग सीरीज बनाने जा रही हूँ, एडवांस ग्रामर की अलग सीरीज बनाने जा रही हूँ, न्यूज़पेपर की रीडिंग की अलग बनाने जा रही हूँ। तो आप देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अपने आप नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब रीता, रीता क्या है बेटा, एक नाउन है। क्या है, नाउन है, नाम है किसी लड़की का। अब जब भी नाउन आएगा, एक नाम आएगा, कितना नाम, एक, तो वहां पे हम लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे बेटे, इज लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, रीता, और रीता के साथ हमने क्या लगाया, इज लगाया। और संतुष्ट क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, तो हमने बोला सेटिस्फाइड, रीता संतुष्ट है, तो हमने क्या बोला, रीता इज सेटिस्फाइड, ठीक है, रीता इज सेटिस्फाइड, राजीव इज सेटिस्फाइड, संजीव इज सेटिस्फाइड, है ना। इसी तरीके से हम सेटिस्फाइड वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा, पहली चीज। अब यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, नाम है, आप इज लगाओ, और ये है आपका एडजेक्टिव, ADJECTIVE, डी जो है वो साइलेंट होता है, एडजेक्टिव नहीं होता बेटे, एडजेक्टिव होता है, ठीक। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे कितने नाम है, दो नाम है, रीता और गीता। जब भी यहाँ पे दो नाम आ जाए, कितने नाम आ जाए, दो, रीता एंड मीन्स और यहाँ पे आ गया गीता, दो नाम हो गए बेटे। दो नाम जब भी आएंगे तो हम वहां पे आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर, आर लगाएंगे बेटे। अब इसका मतलब होता है और आर का मतलब होता है, बिंदी आती है बेटे, क्या आती है, बिंदी, हैं। तो रीता और गीता क्या लिखेंगे हम, रीता और की इंग्लिश होती है बेटा एंड, और यहाँ पे गीता। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम लगाएंगे आर, और वो क्या है, रीता और गीता हैं, क्या है, संतुष्ट, सेटिस्फाइड, क्या है, सेटिस्फाइड। अब जैसे मैं बोलूं कि भाई जयबीर और राजीव संतुष्ट हैं, तो मैं कैसे बोलूंगी, जयबीर एंड राजीव आर सेटिस्फाइड, ठीक है, दो नाम है तो आर आएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक चीज और जो बच्चे गलती करते हैं कि बेटे नाम जो है वो प्रॉपर नाउन होता है,
प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन किसी का भी जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर उसका कैपिटल होता है, यानी कि बड़ा होता है। तो इसे छोटा अगर आप करते हैं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं संतुष्ट हूं, जैसे कि मैं क्या है, प्रोनाउन है। जैसे मैं बोलूं माई नेम इज मंजू बाला, आई एम आर ट्यूटर, तो आई क्या है, प्रोनाउन है। मंजू बाला की जगह पे आई मैंने बोला, तो आई क्या है, आपका नाउन नहीं है, आई आपका प्रोनाउन है। और आई का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो एम होता है बेटा, एम। एम का मतलब है हूं, एम का मतलब है हूं, याद रखना। तो मैं संतुष्ट हूं, तो मैं मीन्स आई, आई के बाद आपने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, आई एम, और क्या हूं मैं, संतुष्ट, सेटिस्फाइड। तो ये सेटिस्फाइड क्या है बेटे, आपका एडजेक्टिव है। हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। आई एम सैड, मैं उदास हूं। आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूं। आई एम टिमिड, मैं डरपोक हूं। तो ये जो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, हैप्पी, सैड, ब्रेव, टिमिड, इनको एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या होता है वो धीरे धीरे आपको बताती चलूंगी। नेक्स्ट है हम, तो आप बताइए हम क्या है, हम प्रोनाउन होता है बेटे। वी, वी के बाद क्या लगेगा, आर लगेगा। वी के बाद क्या लगेगा, आर लगेगा। और सेटिस्फाइड क्या हमारा एडजेक्टिव है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, वी आर सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट हैं। तो अब तक आपको इन सेंटेंस की फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटे, सब्जेक्ट लिखते हैं। यहां लिख रही हूं मैं फॉर्मेशन, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी कि हमने इज एम आर उनमें से एक यूज किया, और फिर हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। और इस केस में ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया है, एडजेक्टिव लिया है बेटे। नेक्स्ट चलते हैं, आप संतुष्ट हैं, आपकी इंग्लिश होती है बेटा यू, यू, यू क्या है हमारा प्रोनाउन होता है बेटे। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है आर, आर मीन्स होता है बिंदी, हैं, आर, यू आर। और संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाइड, स्पेलिंग एस ए टी आई एस एफ आई ई डी, बार बार लिखोगे याद होगा, यू आर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्या है बेटे, एस आई एस ए टी आई एस एफ आई ई डी, नेक्स्ट क्या है बेटा, वह, जैसे एक और हो यहां पे, अच्छा थोड़ा सा मैंने एक सेंटेंस छोड़ दिया, पहले उसको देख लेते हैं। जैसे ये है, आप संतुष्ट हैं, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आर, आपका मीनिंग क्या होता है, यू, यू आर, और संतुष्ट मीन्स सेटिस्फाइड, तो इसका बना यू आर सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट हैं। तो फॉर्मेशन क्या है आपकी, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, आप लोग संतुष्ट हैं, जैसे बेटे मेरे सामने कोई एक बच्चा बैठा है और मैं कहती हूँ आप संतुष्ट हैं, यू आर सेटिस्फाइड, और बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मेरे को उन सबको भी कहना है कि आप लोग संतुष्ट हैं, यानी आप लोग एक से ज्यादा, प्लूरल को दिखा रहा है, तो उसमें भी मैं बोलूंगी यू आर सेटिस्फाइड, आप एक के लिए और आप लोग एक से ज्यादा के लिए, आप सिंगुलर नाउन और आप लोग प्लूरल नाउन, दोनों का इंग्लिश में मतलब यू होता है बेटा। बच्चे ज्यादातर योर बोलते हैं, नहीं, दैट इज रॉन्ग, यू। तो यू आर, और यहां पे क्या आएगा, सेटिस्फाइड। तो इन दोनों की इंग्लिश क्या बनेगी, सेम बनेगी बेटे, एस ए टी आई एस एफ आई ई डी। अब देखिए, वह सेटिस्फाइड है, जो स्पीकर होता है उसको पता होता है कि लड़के के लिए बोल रहे हैं या लड़की के लिए, आदमी के लिए बोल रहे हैं या औरत के लिए। तो जब भी कभी हमारा वह आए तो हमें पता है कि अगर एक लड़का हो या एक आदमी हो तो उसके लिए हम ही लगाएंगे, और ही आपका क्या है बेटे, प्रोनाउन है, ठीक है। तो ही का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा, इज होता है, ही, और यहां पे क्या लगाएंगे, इज सेटिस्फाइड। अगर हम एक आदमी या एक लड़के के बारे में बात करते हैं तो बेटे हम बोलेंगे ही इज सेटिस्फाइड,
ठीक है। इसके अलावा जब हम किसी एक लड़की या एक औरत के बारे में बात करते हैं तो हम लगाते हैं प्रोनाउन शी। जब भी एस एच की बात आती है तो हम स नहीं बोलते, शो बोलते हैं, शो एस एच शो। शी इज सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट है। तो यहाँ पे बेटे हम बोलेंगे शी, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया इज, और यहाँ पे एस ए टी आई एस एफ आई ई डी सेटिस्फाइड। अब ही और शी का जो प्लूरल होता है वो होता है बेटे दे। क्या होता है? दे, वे। वो आदमी भी हो सकते हैं और औरत भी हो सकते हैं। तो दे भी आपका क्या है बेटे? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। दे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारी? आर। आर मीन्स हैं और वे संतुष्ट हैं। दे आर सेटिस्फाइड, दे आर सेटिस्फाइड, एस ए टी आई एस आई एस एफ आई ई डी सेटिस्फाइड, ठीक है। अब एक और चीज, ये किस तरह के सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है? आप इनको असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हो, और आप इन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो। अगले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में मैं आपको नोट का यूज करना सिखाऊंगी।